गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में है जो चैप्टर चल रहा है वो 3.2 है, मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 3, 2, 3, माइनस 1, माइनस 3, 1 और 2। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। प्रूव ऐड करना आपको ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 9 आई बराबर, ये प्रूव करना। तो देखिए प्रूव करने के लिए पहले देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैंने कल बताई थी आपको। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखे, यानी कि ए स्क्वायर को दो बार लिखेंगे, वन ए को दो बार लिखेंगे, ए माइनस दो तीन, दो तीन माइनस ए माइनस तीन एक और दो, एक माइनस दो तीन, दो तीन माइनस एक माइनस तीन एक और दो। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट रो होगी और इसका फर्स्ट कॉलम होगा। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए वन इंटू वन, वन इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू माइनस थ्री। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, तो वन इंटू माइनस टू, वन इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा, वन इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ में, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू माइनस थ्री, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू माइनस टू, टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस माइनस वन इंटू वन, माइनस वन इंटू वन। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन, माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू टू। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस थ्री। अब थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी, माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू थ्री प्लस टू, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू वन, टू इंटू वन। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ में होगी, माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू टू, टू इंटू टू। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कंप्लीट फर्स्ट रो। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो पे जाएंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ में, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां से देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो वन माइनस फोर माइनस नाइन, ये हो जाएगा
माइनस टू माइनस सिक्स प्लस थ्री, यह हो जाएगा थ्री प्लस टू प्लस सिक्स, ये हो जाएगा टू प्लस सिक्स प्लस थ्री, यह आ जाएगा माइनस फोर प्लस नाइन और माइनस वन, यह आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री, ये सिक्स ये माइनस थ्री और ये माइनस टू, यह आ जाएगा माइनस का थ्री प्लस का टू और माइनस का सिक्स, ये आ जाएगा सिक्स प्लस का और प्लस का थ्री और प्लस का टू, यह आ जाएगा माइनस का नाइन और माइनस का वन और प्लस का फोर। इसको आगे सॉल्व करके देखिए, नौ चार तेरह, तेरह में से एक गया बारह, माइनस के बारह, छह दो आठ, आठ और तीन ग्यारह, छह तीन नौ, नौ में से दो गए सात, माइनस के सात, छह तीन नौ दो ग्यारह, ये देखिए छह दो आठ तीन, माइनस के पांच, छह दो आठ माइनस के आठ प्लस के तीन माइनस के पांच, चार और एक पांच प्लस के चार, नौ में से माइनस पांच गया कितना बच गया चार, छह तीन नौ दो ग्यारह, छह तीन नौ और दो ग्यारह, तीन दो पांच प्लस का एक, नौ और एक दस, चार गए माइनस के छह, ये हमारे पास में आ गया ए स्क्वायर का मान। क्या आ गया? ए स्क्वायर का मान। अब इसके अंदर वैल्यू रख पुट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में, उसको इसमें रखेंगे, अब जो दिया है उसमें रखेंगे। देखिए ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस नाइन आई, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस बारह ग्यारह माइनस सात माइनस पांच चार ग्यारह ग्यारह एक और छह, ये तो आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस थ्री ए, माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए, ए हमारे पास में ये है वन माइनस टू और थ्री, टू थ्री माइनस वन और माइनस थ्री और वन और टू, प्लस नाइन आई, नाइन आई। अब देखिए आई की जो वैल्यू है, अगर ए आपको थ्री बाई थ्री में मैट्रिक्स दे रखा है तो आई की जो वैल्यू होगी वो थ्री बाई थ्री में होगी। अगर मैट्रिक्स ए आपको टू बाई टू में दे रखा है तो आई की वैल्यू भी हम टू बाई टू में ही लेंगे। तो मैट्रिक्स यहां पर कितना है थ्री बाई थ्री में, तो आई की जो वैल्यू होगी, क्योंकि आई क्या है एक जीरो 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 वन जीरो 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 वन, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। यहां पे देखिए आई कैसे डिसाइड करेंगे कि आई की वैल्यू थ्री बाई थ्री में आएगी। अगर मैट्रिक्स ए आपको थ्री बाई थ्री में दे रखी है तो आई की वैल्यू भी हम थ्री बाई थ्री में देंगे। अगर मैट्रिक्स आपको टू बाई टू में दे रखी है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वन जीरो जीरो वन, ये आई टू हो गया, ये आई थ्री हो गया, तो आई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ये यूनिट मैट्रिक्स है देखिए भैया, यानी कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल्स यूनिट मैट्रिक्स एक 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 है।
तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई की वैल्यू होगी। अगर मैट्रिक्स आपको 3x3 में दिया तो आई की वैल्यू 3x3 में आएगी। अगर मैट्रिक्स आपको ए 2x2 में दिया है तो आई की वैल्यू बी किस में आएगी 2x2 में आएगी, तो आई 2 हो जाएगा। ये आई 3 की वैल्यू होती है, ये आई 2 की होती है 1 0 0 1। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करें, तो यहां से देखिए माइनस 12 और ये ऊपर ऊपर से आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। तो मैं पहले इसको कर लेता हूं 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखिए इस माइनस 3 को अंदर लेके जाऊंगा, 12 माइनस 5 11 4 1 माइनस 7 11 और 6। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 3 को, तो बाहर क्या लगा दूं प्लस, माइनस 3 को अंदर लेके जाऊंगा तो यहां से आ जाएगा माइनस 3, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 6, प्लस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस का है ये हो जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6। देखिए मैंने बाहर प्लस का चिन्ह लगा दिया है और माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस 3 को प्रत्येक रो के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में भी होगा, इसके साथ में भी होगा, इसके साथ में भी होगा। माइनस 3 को अंदर ले गया, बाद प्लस लगा दिया। अब देखिए इसको भी प्लस 9 है तो इसको अंदर लेके जाऊं प्लस, यह आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये चीज आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमने वो रखी, माइनस 3 ए, ए की वैल्यू मेरे पास में ये है तो माइनस 3 ए की वैल्यू रखी, प्लस 9 आई, ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 में है तो आई की वैल्यू भी किस में आएगी 3x3 में आएगी। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 प्रत्येक रो को मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3 को अंदर ले गया, बाहर बना दिया प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस मिलके 6 बन जाएगा और ये माइनस ये प्लस तो माइनस का 9, 3 2 6 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया, माइनस 3 और ये माइनस का 6 हो गया, प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसको देखिए ऐड करेंगे माइनस 12 माइनस 3 और प्लस का 9, ठीक है भाई, माइनस 12 माइनस 3 प्लस 9। अब यहां से देखिए -5 + 6 + 0, ठीक है भाई, -12 - 3 + 9। अब -5 + 6 + 0, अब 11 - 9 + 0। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे 11 - 6 + 0 प्लस 0। अब 4 को जोड़ेंगे, देखिए 4 - 9 - 9 + 9 प्लस 9, देखिए 4 - 9 + 9। अब 1 यहां से 1 + 3 + 0, अभी आ जाएगा -7 + 9 + 0। 11 आ जाएगा यहां पर, 11 - 3 + 0। अब आ जाएगा 6 - 6 + 9। देखिए -12 - 3 + 9 -5 + 6 + 0 11 - 9 + 0 फर्स्ट रो
ऐड होगी सभी की। अब सेकंड रो को ऐड करेंगे, 11 माइनस है और प्लस 0, 4 माइनस 9 प्लस 9, फिर 1 प्लस 3 प्लस 0, फिर माइनस 7 प्लस 9 और प्लस 0, 11 माइनस 3 प्लस 0, 6 माइनस 6 प्लस 9 ऐड हो गया। अब देखिए क्या आएगा, वो देखिए 12 3 15, 15 में से 9 गए माइनस के 6, 6 प्लस के माइनस के 5, प्लस का 1, 11 प्लस के 2, यहां पे प्लस के 5, यहां पे 9 9 0 4, 3 और 1 4, प्लस के 2 और 11 में 3 गए 8 और 0 यहां से आ जाएगा 9। तो ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड, ये और आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देखिए, ये जो चीज थी लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी। तो लेफ्ट हैंड देखिए चले, राइट हैंड हमारे पास पे आ गई है, इंप्रूवमेंट हो गई इसमें। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा सवाल, अभी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक चार एक, इसके बाद में है 2 1 0, 1 0 2, 2 2 माइनस 4, 1 4 और 1 बराबर 0। वेयर 0 इज मैट्रिक्स देन फाइंड ए। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको, A 4 1 2 1 0 1 0 2 2 2 minus 4 A 4 1 और 0। तो देखिए चाहे तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं पहले। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये कितने की है? 3 by 3 की। ये जो मैट्रिक्स है वो 3 बाई 3 की है और ये जो मैट्रिक्स है वो कितने की है? 3 बाई 1 की। देखिए रो कितनी है, पहले रो लिखी जाएंगे, 1 2 3, 3 रो और 3 ही कॉलम है, 1 2 3, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। इधर देखिए रो कितनी होगी, 1 2 3, तो रो कितनी आ गई? 3। कॉलम इसका क्या है? 1, तो 3 इंटू 1 की होगी। तो देखिए 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है और ये कितने की है? 3 इंटू 1 की। मैंने बताया कि अगर ये दोनों कॉमन आते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। तो मैट्रिक्स क्या होगी? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई होने के बाद में कितने की बनेगी? यानी कि 3 तो रो होंगी उसमें और 1 क्या होगा? कॉलम। तो ये दोनों कॉमन आने के बाद मैट्रिक्स बचेगी 3 इंटू 1 की, इसका मतलब 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए 4 और 1। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए प्लस 4
प्लस टू, टू ए प्लस फोर प्लस टू। अब इसको करेंगे इससे ए, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस जीरो और प्लस टू। अब जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जीरो प्लस एट और माइनस का फोर। देखिए हमारे पास में कॉलम तो हो गया एक, एक ही कॉलम है इसमें, रो कितनी होगी, एक दो तीन रो होगी। तो हमारे पास में जो निकल के आया था थ्री इंटू थ्री बराबर थ्री इंटू वन, ये इसमें निकल गया तो कितने की बची, थ्री इंटू वन की, तो तीन कॉलम हो गए, एक रो, एक तीन तो रो हो गई और एक कॉलम हो गया। रो कितने हो गए, तीन, एक दो तीन रो और एक ही कॉलम है ये, थ्री रो एक कॉलम हो गया। अब देखिए और बराबर क्या है इसके, जीरो। अब यहां पर देखिए ये कितने की है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, तीन। रो कितनी है इसकी, एक और कॉलम कितने हैं, तीन। रो तो इसकी एक है, कॉलम कितने हो गए, तीन। तो रो पहले लिखेंगे एक इंटू तीन की, ये मैट्रिक्स है, और ये कितने की होगी, तो ये हो गई थ्री इंटू वन की। रो कितनी है इसमें, एक दो तीन, तीन रो आ गई। कॉलम क्या है इसका, एक ही है, तो दोनों भाग क्या आ गए इसके, कॉमन। तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होके बचेगी वो वन इंटू वन की बचेगी, एक ही तो रो होगी और एक ही क्या होगा, कॉलम होगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए ए से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टू ए प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर, ये आ जाएगा ए प्लस जीरो प्लस टू और प्लस वन, ये आ जाएगा जीरो प्लस एट माइनस फोर। और बराबर जीरो, एक ही कॉलम का है तो ये दोनों तरफ से हट जाएगा तो ये आ जाएगा देखिए टू ए स्क्वायर प्लस चार दो छह प्लस सिक्स ए प्लस फोर ए प्लस एट चार दो आठ और प्लस यहां से आ जाएगा आठ में चार एक चार बराबर जीरो। तो देखिए टू ए स्क्वायर छह और चार दस प्लस आठ और चार बारह बराबर जीरो, दो से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स बराबर जीरो। सिक्स के फैक्टर कर लो, फैक्टर आएंगे क्या इसके, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस सिक्स बराबर जीरो। यहां से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा, ए कॉमन आ गया इसमें, ए क्या आ गया कॉमन, तो यहां से ए प्लस थ्री क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री, यहां से टू कॉमन आएगा, ए प्लस थ्री बराबर जीरो, यानी कि ए प्लस थ्री और a प्लस टू बराबर जीरो। तो a की दो वैल्यू आ जाएंगी, a बराबर माइनस तीन, a बराबर माइनस दो, ये इसका आंसर होगा भाई। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो, माइनस तीन और माइनस दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बराबर दे रखा है बी बराबर दे रखा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
ए बराबर एक माइनस एक, दो माइनस एक, बी बराबर आपको दे रखा है ए वन, बी माइनस वन, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो फाइंड करनी आपको वैल्यू ए एंड बी की, ए और बी फाइंड करना। इसमें ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, आपस में दोनों को बराबर लिखेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर निकाल के आपस में इनको बराबर करेंगे, फिर a और b की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी निकालता हूं। देखिए a प्लस बी बराबर, यानी a और b को आपको ऐड करना है, तो a की जो वैल्यू है वन माइनस वन टू माइनस वन प्लस बी, बी की वैल्यू आपके पास में ए वन बी माइनस वन, इन दोनों को ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, वन प्लस ए, वन के साथ में ए ऐड होगा, माइनस वन के साथ में प्लस वन, टू प्लस बी और माइनस वन, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वन प्लस ए जीरो, टू प्लस बी और माइनस टू, यह आ गया आपके पास में ए प्लस बी। ए प्लस बी अब निकालनी है आपको ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए प्लस बी को दो बार लिखेंगे, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू मेरे पास में आ गई वन प्लस ए जीरो, टू प्लस बी माइनस टू, और दोबारा यही लिखेंगे वन प्लस ए जीरो, टू प्लस बी और माइनस टू। ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकाल ली है, अब ए प्लस बी की होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए प्लस बी को दो बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो देखिए ये आ जाएगा। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। देखिए वन प्लस ए, वन प्लस ए, वन प्लस ए का होल स्क्वायर, वन प्लस ए, वन प्लस ए, वन प्लस ए का होल स्क्वायर, और जीरो को इसके साथ करेंगे प्लस जीरो, वन प्लस ए, वन प्लस ए का, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वन प्लस ए का वन प्लस ए से करेंगे वन प्लस ए का होल स्क्वायर, और जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस जीरो, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ में वन प्लस ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और प्लस जीरो को माइनस दो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब सेकेंड रो देखिए इसकी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम टू प्लस बी, टू प्लस बी को वन प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा वन प्लस ए, टू प्लस बी वन प्लस ए मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस माइनस टू, यहां से देखिए ये माइनस दो से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस दो टू प्लस बी, टू प्लस बी वन प्लस ए मल्टीप्लाई हुआ माइनस दो से टू प्लस बी मल्टीप्लाई, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू प्लस बी को जीरो से करेंगे जीरो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का फोर। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर
प्लस 2a प्लस 1 और 2 प्लस b और 1 प्लस a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस b और 1 प्लस a को मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab, तो यह आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और माइनस का 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab और माइनस का 4 और माइनस का 2b, या इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी और यहां से क्या आ जाएगा, ये जीरो है अपने पास में और यहां से कितना आ जाएगा, अच्छा देखिए क्या आ जाएगा, यहां से a प्लस b की होल स्क्वायर क्या आ जाएगी आपके पास में, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो देखिए 2a यहां से आ जाएगा 2a और b माइनस का 2b माइनस का b माइनस का क्या बचा b और माइनस का 2 और प्लस का ab, तो देखिए 2a आ गया b माइनस का ये आ गया 2b में से b गया माइनस का b और माइनस का 4 माइनस के 4 में से 2 गया माइनस का 2 हो गया और प्लस का ab ये बचेगा और यहां से आ जाएगा 0 और 4, ये मेरे पास में a प्लस b की होल स्क्वायर आ गई। तो मेरे पास में आ गई a प्लस b की होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब हम निकालेंगे इसकी a स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए a स्क्वायर निकालेंगे को देखना, a a स्क्वायर निकालेंगे तो a को दो बार लिखेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 2 माइनस 1 माइनस 1, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 को 1 से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 * 1 और माइनस 1 * 2 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ में होगा तो 1 * माइनस 1 और प्लस 1 * 1 हो जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 * 1 और माइनस 1 * 2 यह आ जाएगा माइनस का 1 * 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 * 1 यह आ जाएगा 1 - 2 और 2 - 2 और यह आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा क्या माइनस 1 ये 0 ये 0 ये माइनस 1, तो देखिए मेरे पास है a स्क्वायर की जो वैल्यू आई माइनस 1 0 0 माइनस 1 आई।
अब मैं निकालूंगा इसका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। बी स्क्वायर निकालेंगे तो इसको दो बार लिखेंगे ए बी वन माइनस वन, और यह आ जाएगा ए बी वन माइनस वन। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए प्लस वन इंटू बी, ए इंटू ए वन प्लस वन इंटू बी। अब इसको करेंगे ए इंटू वन, ए इंटू वन और माइनस वन इंटू वन, ए इंटू ए वन इंटू बी और ए इंटू वन और माइनस वन इंटू वन। अब बी इंटू ए, बी इंटू ए माइनस बी इंटू वन। अब आ जाएगा बी वन इंटू बी और माइनस माइनस प्लस इंटू वन। यह आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी, यह आ जाएगा ए बी माइनस बी, यह आ जाएगा ए माइनस वन, यह आ जाएगा बी प्लस वन। देखिए ए प्लस बी की स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास में ये आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई। अब इनको देखिए जोड़ते हैं, अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब देखिए ए प्लस बी की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी की स्क्वायर मेरे पास में आ गई ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, और ये आ गया जीरो, और टू ए माइनस बी माइनस टू प्लस ए बी, और आ गया मेरे पास में फोर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास में वन, जीरो जीरो माइनस वन, और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ गई प्लस। देखिए ए प्लस बी की स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में ये है ए स्क्वायर प्लस बी, और ए माइनस वन, ए बी माइनस बी और बी प्लस वन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, यहां से आ जाएगा टू ए माइनस बी माइनस टू प्लस ए बी जीरो और फोर बराबर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, और यह आ जाएगा ए माइनस वन प्लस जीरो, और इसके साथ में इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा ए बी माइनस बी प्लस जीरो, और इसके साथ ऐड करेंगे तो बी प्लस वन माइनस वन, यह आपस में ऐड हो गए। अब देखिए यहां से मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मैं इसकी कंपेयरिंग कर लेता हूं ए और बी की, ये और इसकी कंपेयरिंग करूं दोनों तरफ क्योंकि आपस में बराबर है। तो देखिए ए माइनस वन प्लस जीरो यानी कि ए माइनस वन बराबर क्या आ गया जीरो, तो ए बराबर कितना आ गया एक। अब देखिए ये बी से बी वन से वन कट गया, तो यहां से देखिए बी बराबर कितना आ जाएगा चार, बी बराबर क्या आ गया चार। इसी प्रकार इन दोनों की कंपेयरिंग करके आप निकाल सकते हो तभी यही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास में ए और बी की वैल्यू आ गई, देखिए कितनी आ गई ए बराबर वन आ गया बी बराबर चार आ गया, ये इनका आंसर है। ए और बी की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो मैंने पहले क्या किया है मेरे को ए और बी दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने पहले क्या किया ए प्लस बी का निकाला, ए प्लस बी को निकाला, ए प्लस बी का निकालने के बाद में इसमें स्क्वायर है तो ए प्लस बी को दो बार लिखा, ठीक है ए प्लस बी को दो बार लिखने पर मेरे पास में वैल्यू ये। अब मेरे को निकालना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को दो बार लिखेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी ये। अब निकालेंगे बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर को दो बार लिखेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आएगी ये। इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखिए इसमें माइनस प्लस की गड़बड़ ज्यादा होती है भाई, ध्यान रखना इसको, बहुत ही केयरफुली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और प्रॉब्लम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो प्लस माइनस की जो मिस्टेक है उसको ध्यान में रखिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।